नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। डालिए नजर एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक पर, जानने के लिए क्या कुछ खास हुआ इस हफ्ते बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में। हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक इवेंट में पहुंचे, जहां दोनों ने पोज किया और पुरानी तस्वीरें देखी। इस इवेंट में रणबीर ने पैपराजी के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताया, तो वहीं आलिया ने केसरिया गाना भी गाया। आथिया शेट्टी और केएल राहुल 23 जनवरी को शादी करने वाले हैं, जिसमें केवल कुछ करीबी दोस्त और खास रिश्तेदार ही शामिल होंगे। लेकिन बता दें कि शादी के बाद आथिया और राहुल क्रिकेटरों के लिए एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन करेंगे। राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी 19 जनवरी 2023 को परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में पूरे रस्मों और रिवाजों के साथ सगाई के बंधन में बंध गए हैं। इसी जश्न में बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे भी शामिल हुए हैं। राखी सावंत आदिल दुरानी के साथ हुई शादी को लेकर काफी समय से चर्चा में है। इस हफ्ते खबर आई कि कुछ समय पहले उनका मिसकैरेज हुआ, जिसके बारे में उन्होंने बात की है, लेकिन कुछ देर बाद राखी ने रिपोर्ट्स को अफवाह बताया। इतना ही नहीं, खबरें यह भी थी कि शर्लिन चोपड़ा केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, पर उनसे घंटों तक सिर्फ पूछताछ ही की गई। फेमस कोरियोग्राफर और झलक दिखलाजा के सुपर जज रहे तुषार कालिया ने आखिरकार अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड त्रिवेणी बर्मन के साथ शादी कर ली है। एक्टर ने अपनी शादी की खास पलों को इंस्टा पर शेयर कर अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आज सुर्खियों में हैं, और वजह है सरकारी नोटिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिक में ऐश्वर्या की एक जमीन है, जिसके लिए टैक्स न भरने के मामले में उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में राधिका मदान ने टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राधिका की इस बात पर पहले उन्हें सयांतनी घोष ने स्लैम किया, और अब एकता कपूर सहित कई सितारों ने उनकी निंदा की है। तुनिशा शर्मा की डेथ के एक लंबे समय बाद अलीबाबा दास्तान ए कबूल की शूटिंग को उसी सेट पर पूजा करने के बाद रिज्यूम किया गया है। लव रंजन के डायरेक्शन में बनी रणबीर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार इस होली रिलीज होने वाली है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के ट्रेलर को थिएटर्स में पठान की स्क्रीनिंग के साथ अटैच किया जाएगा, जो कि इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एवलिन शर्मा एक बार फिर पेरेंटहुड एम्ब्रेस करने जा रही हैं, और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर पिक्चर शेयर कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड वेबसाइट।